Hello everyone, today I will be the tutor for this question. In this question, we have to find the probability of an event that is certain to happen. And we also have to find the name of that event. That means, हमें एक ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी बतानी है जो कि सर्टेन टू हैपन है, जो कि जिसका होना निश्चित है, और हमें उस इवेंट का नाम भी बताना है। तो सबसे पहले जान लेते हैं प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी इज डिफाइंड एज न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ लाइकली एन इवेंट इज टू ओकर एंड इट इज डिनोटेड बाय पी। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट के होने के चांसेस का न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन है, और इसे हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और वी कैन राइट पी ई एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट ई। और ये हमेशा जीरो से ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता है एंड वन से लेस देन इक्वल्स टू होता है। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट लाइज बिटवीन जीरो टू वन। अब हम बात करते हैं उस इवेंट की जो कि श्योर है होने के लिए, जिसका होना निश्चित है। तो ऐसे इवेंट जिनका होना निश्चित होता है उनकी प्रोबेबिलिटी हमेशा वन होती है। क्या होती है? वन, क्योंकि ये श्योर है, ये होंगे ही होंगे, इनके नहीं होने का कोई चांसेस नहीं है। दैट मीन्स इनकी प्रोबेबिलिटी हमेशा वन होगी, और ऐसे इवेंट्स को हम श्योर इवेंट, श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट कहते हैं। सो द कंप्लीट स्टेटमेंट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज वन एंड सच इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट। दिस इज द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।